विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर रांची में दिव्यांगों ने प्रदर्शनी लगाई, तमाम तरह के स्टॉल लगाए गए। हमारे सहयोगी शंकर ने इनसे खास बातचीत की है, आइए देखते हैं। एक कहावत है, जहां चाह वहीं राह। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान अगर अपने मन में अगर इच्छा शक्ति उसकी हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, मैं एक हुनर हाट एक लगा हुआ है स्टॉल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, आँख से देख नहीं पाते हैं और ड्राइंग और कंप्यूटर जैसे सिस्टम को चलाते हैं। हमारे साथ मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो दिखाए कि एक ड्राइंग ब्लाइंड है, देख नहीं पाते कम, लेकिन ड्राइंग जो है वो देख के बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से किसी एक व्यक्ति है उनका ड्राइंग वो हूबहू उतारने का कोशिश कर रहे हैं। एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए हैं जो कि कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, है ना, जो बिना देखे ही कुछ ना कुछ टाइप करके और सही तरीके से। अब अपने क्या नाम हुआ आपका? इमरान जी, आप अपने कैसे टाइप करते हैं? कैसे सर, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैं भी जो भी लिखूँगा ना तो इसकी वॉइस मेरे को सुनाई देगी, तो उसी को सुन के मैं टाइप करता हूँ। जी, ये आप सुन के टाइप करते हैं, ये हमको बताइए कि ये जो आपकी समस्या या जो प्रॉब्लम है ये कब से हुआ? बच्चे से है कि बात से है, कैसे हुआ? सर, ये मेरा है, मैं लेट ब्लाइंड हूँ, मेरे को चोट लग गई थी इसी वजह से मेरी विजन चल गई थी। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफ़ी टफ का काम हुआ होगा। आप अपने आप को कैसे महसूस कर रहे थे कि कैसे क्या कुछ करना है, तो आप ये प्रेरणा या कैसे आप इसको यहाँ पे गए और कैसे सीखे ये सब चीज़ आप? जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में चल गया था, क्योंकि अचानक से किसी की आपकी रोशनी चल जाना ये तो बहुत टफ है। तो फिर मुझे ये सर है मेरे, यही मिले थे, पारस सर हैं जिनका नाम, ये मैं घर पे आए थे, इनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक लड़का है जो ब्लाइंड हो चुका है, तो उसकी शिक्षा के लिए फिर इन्होंने मेरे को बताया कि आप भी पढ़ सकते हो, तो इन्होंने मुझे कंप्यूटर ब्रेल वगैरह कंप्यूटर की नॉलेज दी, तो आज मैं यहाँ आप लोग के सामने बैठा। कंप्यूटर की नॉलेज में आप क्या क्या ऐसा को काम कर लेते हैं कंप्यूटर में जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और लोग करना कर रहे हैं, बताइए। मैं कंप्यूटर में अपनी बुक्स पढ़ता हूँ, एक्सेल में डाटा एंट्री वगैरह करता हूँ, इंटरनेट का यूज करता हूँ और टाइपिंग करता हूँ। आप नाम बोलिए, आपका नाम ले दूँगा। मेरा नाम शंकर जी, आप एक बार नाम लीजिए। यस सर, जी मेरा नाम शंकर जी है, शंकर ठाकुर नाम है, आप उसे लिख के दिखाए कैसे लिखा? ये लिख गलत हो गया क्या? नंबर बोलिए अपना। ये जैसा देख चुके हैं कि ये मोबाइल नंबर या हमारा नाम जो है ये पूरी तरीके से लैपटॉप लेके और टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड पे और बिल्कुल ही सही तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ एक और बच्चे हैं, कितना साल के हैं ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है बोल पाते हैं? ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है, कितने साल के, क्या नाम हुआ तुम्हारा? जयपाल राणा। क्या चीज़ कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप? हम ड्राइंग बना रहे हैं, मेरे भाई इमरान भी है उनका, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। क्या ड्राइंग में क्या क्या चीज़ बना ले रहे हो? ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे कि मैन का फेस बना सकते हैं और कार्टून वगैरह होता है उसको ही देख के बनाते हैं। ड्राइंग की आपकी जो प्रेरणा है वो कैसे मिली आपको, ड्राइंग कैसे करने लगे, कहाँ से सीखे, और ये आपकी अगर ये ब्लैक चश्मा पहने हुए उस पर आपको क्या दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, कैसे कर रही है? हम नज़दीक से देखकर ड्राइंग बनाते हैं।
और ये ड्राइंग का मेरा हिस्सा आपने से कभी कभी हम ट्यूशन में जब संडे कभी कभी होता था ड्राइंग तो हम बनाते थे, तब से धीरे धीरे मैं बनाने के लिए एक बार हम ड्राइंग का क्लास करने के लिए 2 महीने तक किए हैं। ये जो आप अभी एक तस्वीर बनाए, ये जो आप तस्वीर बना रहे हैं, ये किन व्यक्ति का, किसका तस्वीर आप बना रहे हैं? ये इमरान भैया जो यहाँ बैठे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, इनका मैं बना रहे हैं। ये जो आप अभी देख रहे एक तस्वीर है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो उनका तस्वीर बनाए हैं और अच्छी पूरा हूबहू लगभग बना चुका है ये बच्चा और काफ़ी अच्छा है बनाने का तकदीर है। इनके एक टीचर हैं, उनसे भी मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये इस तरीके के बच्चे को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जी सर, मैं अपने मेरा नाम पारस कुमार महतो हुआ, मैं हजारीबाग साइट सेवर से हूँ और मैं स्पेशली ब्लाइंड बच्चों के लिए स्पेशली मैं डीएड किया हूँ और बीएड भी किया हूँ और एमएचडब्ल्यू भी किया हूँ। इन बच्चों के जितने हमारे स्टॉल में जितने भी सामग्री देख रहे हैं सारे ब्लाइंड बच्चों के लिए स्पेशली है और ब्लाइंड बच्चों को मैं एजुकेशन देता हूँ, ब्रेल लिपि में स्पर्श करके पढ़ाई करना, मैथमेटिक्स, गणित, हर तरह के, मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, ड्राइंग बनाना, ये हमारे जो बच्चे सामने बैठे हैं ये टोटली पार्सली विजन है, ये सामने से दिखता है और किसी का भी चेहरा अगर आप हैं यहाँ पे खड़े तो आपका अगर कुछ देर देख लेगा तो आपका हूँ बहु चेहरा आपका निकाल देगा। एक चीज़ ये साफ कहना चाहूँगा, चाह चाह वहीं राज, जाने अगर आपके मन में सीखने की इच्छा हो और मन में उस तरीके का प्रेरणा हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी तरीके को। अपने सहयोगी दीपक के साथ रांची से शंकर ठाकुर।